नमस्कार दोस्तों, मैं अगुण चौधरी, आप देख रहे हैं जीएच चैनल। मेरा चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रैक्टर लोडर के बारे में, जो कि ये देखिए मेरे पीछे खड़ा है, जो कि फार्मर ट्रैक्टर पर लगाया हुआ लोडर। तो मैंने कुछ दिन पहले दो वीडियो डाले जो कि ट्रैक्टर लोडर के बारे में, किस प्रकार से उसको इंस्टॉल किया जाता है और किस प्रकार से आप इसको अपने ट्रैक्टर पर लगवा सकते हैं। तो उसके नीचे काफ़ी सारे कमेंट है जो कि उसका जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। एक्चुअली ये देखिए ये वाला है लोडर, जो कि मैंने तकरीबन सबसे पहले अधिकांश जो डिमांड रहती है वो इसके प्राइस की रहती है, जो कि अगर हम इसके प्राइस की बात करें 35,000 में लगवाया था, जो कि 35,000 रुपये में इसको लगवाया था, जो कि मैंने इसको तकरीबन 3 साल हो गए और अभी इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास होगी। अगर आप लगवाना चाहते हो डेफिनेटली लगवा सकते हैं। और पहले वाला वीडियो मैंने डाला था, जो कि अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ कहीं भी आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आई बटन पर क्लिक कीजिए और इस वीडियो को देख लीजिए, जो कि ट्रैक्टर लोडर के बारे में था, जो कि तकरीबन 1 मिलियन जो व्यूज़ उसका पार हो गए। तो थैंक्स फॉर योर क्रेजी सपोर्ट। और ये वाला वीडियो बनाने का मकसद है, जो कि नीचे काफ़ी सारे कमेंट है उसके सारे का जवाब देने वाला प्राइस का मैंने ऑलरेडी बता दिया। और अब बात कर लो इसको किस प्रकार से लगाना पड़ता है, ये वाला आपके कौन से ट्रैक्टर पर लगेगा, तो इसको बता दूँ कि ये वाला फॉर्माटेक है, स्वराज है, मैसी पे भी ये वाला लग जाएगा, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा आपको, जो कि मैंने उसके नीचे बालाजी का एग्रो कंपनी का नंबर दिया हुआ था, उससे जो कि कॉन्टैक्ट कर सकते, जो कि इस वीडियो के नीचे भी आपको बालाजी एग्रो के जो है फोन नंबर दे दूंगा, ताकि आप इसको कॉन्टैक्ट कर सको। और आप जो इस पर ट्रैक्टर पर लगवाना चाहते हो तो उस पर आप लगवा सकते हो, जो कि कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आपके ट्रैक्टर पर लगवा सकते हो। और अभी मैं आपको किस प्रकार से जो इसको इंस्टॉल करवाना पड़ता है और कौन कौन सी जो भी जरूरत होती है और किस प्रकार से जो हमने फॉर्माटेक ट्रैक्टर पे इसको इंस्टॉल किया जा गया है, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिएगा ये वाला ट्रैक्टर, जो कि यहाँ पे इसके आगे वाले हिस्से पे कुछ इस प्रकार से इसको इंस्टॉल किया गया, जो कि ये है। और ये वाला सेम चार वम्पर वाला बोल्ट है, जो कि इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से वाला ढांचा फिट किया गया है। और इसके सपोर्ट के लिए यहाँ पे वम्पर वाले बोल्ट पे लगे हुए, जो कि इसका एक्स्ट्रा वाले यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे भी रहते हैं इसके, क्योंकि फार्माटेक ट्रैक्टर पे आपको इजीली मिल जाएंगे ये वाले सारे बोर्ड ये हैं। और यहाँ पे इन्होंने हाइड्रोलिक पंप भी एक लगा रखा, जो कि इसको ऊपर नीचे करने के लिए वाला ढांचे इसके साथ में मिलता है आपको। और ये है आगे वाला लोडर, जो कि आपको तकरीबन 3 फुट में मिल जाएगा। और ये वाला स्प्रिंग मैकेनिज्म है, जो कि अपने आप ये वाला बंदा था, जो आप जब भी इसको खींचोगे तो ये वाला अपने आप खुल जाएगा कुछ, ये देखिए ये सीन रहता है। और इसको बंद करने पे वाला बड़ी इजीली स्प्रिंग वाला मैकेनिज्म है, जो कि इसके अंदर फिट हो जाएगा। और यहाँ से आपको एक बार मिलती है जिसको खींचना होता है, और आपको मैं आप उधर चल के आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से इसका रहता है। यहाँ से ये वाला वायर है, जो कि इसको खींचने पे ये वाला देखिए ये वाला बंद होगा। और ये रहा वायर, जो कि यहाँ से होते हुए देखिए ये रहा, जो कि यहाँ से आपको जो पकड़ के और इसको जो कुछ इसका ये वाला होगा, जब भी वो वाला ऊपर रहेगा तभी वही वाला काम करने करेगा, नहीं तो ये वाला वायर ढीला पड़ेगा, तो आपको यहाँ से इसको वायर के सेटिंग को एडजस्ट करना पड़ेगा। और इसको ऊपर नीचे करने के लिए फार्माटेक ट्रैक्टर, तो इसके साथ में आपको अलग से हाइड्रोलिक वायर मिल जाएगा, लीवर जो कि देखिए ये वाला लीवर है, जो कि यहाँ से इसको ऊपर और नीचे करने पे वाला काम करेगा, इसका लीवर अलग से मिल जाता है, जो कि फार्माटेक में आपको लोड मैक्स के अंदर मिल जाएगा, चैम्पियन लोड मैक्स के अंदर, जो कि अलग से लीवर दिया हुआ है इसके, तो यहाँ से अलग से ऑपरेट होगा, इसका लिफ्ट के साथ में इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है, जो कि अलग से होगा। ये देखिए ये वाला हाइड्रोलिक पाइप है, जो कि ये है यहाँ से होके, और यहाँ पे ये देखिए ये वाली पाइप गई है, जो कि मैं आगे भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से पीछे से पाइप होके ये वाली आ रही, और यहाँ से होते हुए सीधे हाइड्रोलिक वाले पंप के अंदर जाएगी यहाँ पे, और इससे वाला काम करेगा।
तो कहीं उम्मीद करता हूँ आपको वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी इनेबल कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमने नया वीडियो अपलोड किया तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं इसी तरह से नए अगले वीडियो में।